इन सब समस्याओं के पीछे जो वो हमारे देश की सरकार है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझौता किया है, संधि की है, उसका नाम है गैस करार मजदूर की ओर से। और इन शब्दों को हमारे देश की सरकार एक एक तरह से लागू करती है। अब शर्तें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय के साथ में शर्तें सब होने की और समस्या हमारे लिए लागू करने की तैयारी चल रही है। उसमें से शर्तें उनमें से एक शर्त यह है कि भारत देश में बालिका बाजार को मान्यता दी जाए और उसको ऐसे ही स्थापित कराया जाए जैसे शेयर बाजार। साक्षर होने के पहले हमारे देश में ये बालिका बाजार का ये सब अमेरिका में यूरोप के देशों में या तो सिंगापुर हमारे वहां पर या तो जापान में थोड़ा बहुत चल रहा है, बाकी भारत में ये मायदा बाजार का लेकिन दसवीं के करार पर हस्ताक्षर होने के बाद हमारे देश की सरकार ने इस मायदा बाजार को भारत में शुरू कर दिया। दूसरी शर्त उसमें यह है कि वायदा बाजार उसमें किस किस वस्तुओं के व्यापार में हो सकता, तो सोने चांदी हीरे जवाहरात गेहूं चावल चना दाल मटर आपके भारत में उत्पन्न होने वाली खेती की सभी वस्तुओं में और भारत के कारखाने में होने वाली ज्यादातर वस्तुओं में इन सभी उत्पादों और जो उसको अमेरिका में करते हैं यूरोप में करते हैं वही उन्होंने भारत में आगे करते हैं। अब इससे दुष्परिणाम भी शुरू हुआ है कि जब से सोने चांदी के महत्वपूर्ण वस्तुओं को फायदा बाजार में शामिल किया तभी से मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में उछाल गिरावट उछाल गिरावट उछाल गिरावट वायदा बाजार जो है ना वो सबसे ज्यादा ठीक है धोखाधड़ी का मुद्दा दूसरों को बना के मुफ्त दे देना दूसरों को मुफ्त बना के मुफ्त दे देना कुछ इस तरह का मुद्दा है। इसमें वास्तव में ना कुछ बेचा जा रहा है ना कुछ खरीदा जा रहा है ना आपके हाथ में कुछ खरीदा हुआ आएगा ना किसी के हाथ से बेचा हुआ जाएगा। वास्तव में कुछ नहीं होता है ये सिर्फ कल्पना में चल रहा है और ये धंधा कैसे चल रहा है मैं इसे उदाहरण से समझा। वायदा बाजार में जो एजेंट होते हैं वो बड़े बड़े कंपनियों के होते हैं वो काम कैसे करते हैं ये उदाहरण से
तो मुझे बहुत दुख की बात है कि व्यक्ति 4,880 रुपए एक वर्ष में ही मूल्य ले रहे हैं, न हमने कुछ बेचा न हमने कुछ खरीदा। अगर 4,880 रुपए का हमने कुछ माल ही खरीदा होता तो भी संतोष होगा कि चलो पैसा लगा तो वसूल तो है। या मैंने एक बार हमारे देश के एक मंत्री को ये बात कही, उनका नाम स्पष्ट कर दिया था, अभी वो उद्योग मंत्री हो, पहले वो एनडीए की सरकार में जो करने के लिए था मंत्री थे, तभी वो मंत्री और उनका मेरा नाम परिचय है। तो मैं एक बार उनसे ऑन मार्क के विषय में बात कर रही है, तभी मैंने पैसा लगा मैंने कहा आपने ये जो सुविधा शुरू करा दिया हिंदुस्तान में, आपको मालूम है इसका नुकसान कितना है? मैंने कहा अकेले मुंबई जैसे महाराज से 4,880 रुपए लूट लिया और भारत में ऐसे 8-10 केंद्र करते हो तो कितने हजार करोड़ रुपए की लूट होने के कुछ संभावना है। और ये 4,880 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो इतनी रकम अगर क्षेत्रीय समाज को दे दी जाए, क्षेत्रीय वर्ग के नागरिकों को दे दी जाए, पूरे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हो सकते हैं और आप महिला करना पड़ेगा। ऐसे फायदा बता रहे हैं अपने जीवन से दूर हो गए। तो शरद यादव ने मुझे कहा कि आपकी बात तो सही है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं कर सकते, आप मंत्री हैं। तो कहते हैं मंत्री से बड़ा प्रधानमंत्री है, उनसे बात प्रधानमंत्री के पीएमओ में हम लोग गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सुन गए, तो प्राइम मिनिस्टर से चर्चा हुई अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हमने डब्ल्यूपीओ नाम पर एक करार सही किया है उसे भी कर सकते। तो मैंने कहा कम से कम आप इतना तो करो कि हिंदुस्तानियों को टीवी पर जाहिरात देकर लेकिन दूसरी तरफ आप इतना कर सकते हो कि रोज टीवी पर एक जाहिरात दे दो या आधा घंटे का एक घंटे का कार्यक्रम दे दो और लोगों को बताओ तो सही नहीं है वायदा अपना होता क्या है। तो आपकी कराए की शर्त भी पूरी हो जाएगी और हम उसमें से भी बच जाए तो होने चाहिए। भारत के लोगों को सही माहिती देना ये सरकार को समझ में नहीं कि खोटी माहिती देना लोग टीवी पर घंटों घंटों समय खराब करते हैं। पेप्सी के लोगों का मतलब जो आपके डॉक्टर के लोगों को कभी माहिती जो किसी काम के लिए वो हो जाती है और ये जो माहिती जिसकी आवश्यकता है लोगों को वो कर देते हैं। फिर जाते प्रधानमंत्री ने मुझे ये कहा अच्छा हम तो ये नहीं कर सकते, मैंने पूछा क्या परेशानी क्या है, तो वो कहते हैं कि ये परदेशी कंपनियां आई हैं ये हम लोग चिंता नहीं करेंगे, अगर हमने ये माहिती की तरफ दिया लोगों को जागरूकती आ गई इतनी है इस पूरे सिस्टम में वो कहते हैं कुछ नहीं कर और वो कुछ नहीं कर सकते तो उसमें ये दुष्परिणाम होता है। अब इस दुष्परिणाम में बाहर कौन आता है, जो सोने चांदी का व्यापार करने वाला बहुत व्यापारी जिसका सैकड़ों करोड़ रुपए का बिजनेस है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो साधारण सा व्यापारी है छोटे छोटे बिजनेस करने वाला है जिनका और ये शहर को छोड़ दूर गाँव में भी चार बैठा हुआ लोग
इंसान उस वो सबसे ज्यादा परिणाम इसका मेरा इस गांव में जन्म हुआ तो उत्तर भारत में अलीगढ़ जिले मेरे गांव में आज स्थिति यह है 10 व्यापारी के सोने चांदी का व्यापार करने वाले मैंने बचपन से उनको देखा है लेकिन इस फायदा बाजार में दसों ने उनको दुकान वो पहले सोने चांदी के दाने में बनाकर मेरे गांव के लोगों की जरूरत पूरी कर रहे थे और आसपास के गांव में भी जरूरत पूरी कर रहे थे अभी तो सोने का भाव एकदम से 8,000 रुपए तक गया है किसी ना किसी का अब तो क्या कर रहे हैं वो बेचारे सब दुकानें बंद करके सिर्फ मजदूर की तरह से काम कर रहे हैं पूरे जो बयान है सवेरे भाव कुछ 11 को कुछ शाम को कुछ और जो रियल ट्रेडर है जो वास्तविक व्यापारी है जो सचिव सोने चांदी का कुछ न कुछ बनाकर बिक्री करते हैं वो इसमें सबसे ज्यादा मारा जिनको सिर्फ चिटिंग करनी है धोखाधड़ी करनी है लूट मार करनी है उनको इसमें फायदा होता है तो हमारी सरकार ने ये खतरनाक खेल शुरू कर दिया है और ये खतरनाक खेल जैसे सोने चांदी के सूचना हो रहा है अभी सरकार की तरफ से इसके लिए कुछ उत्तर नहीं दिया है और मैं आपको हिंदू पक्ष को कहने आ रहा हूँ कि सरकार अपने गलत काम को सही साबित करने के लिए कोई ना कोई उत्तर ढूंढती है तो इसके लिए उन्होंने उत्तर ढूंढा वो क्या है वो कहते हैं कि यूरोप में और अमेरिका में तो 150-200 टन का धंधा है सोने चांदी का पूरे तरह से कम से कम 40% जो वहाँ पर थोड़ा बहुत पसंद होता है ज्यादा होता है भारत में तो बहुत कम होता है 1% का सवाल है अरे भारत में सोने की रोज की खपत 1.25 टन के आसपास की है ज्यादा से ज्यादा बहुत आपका ये हाथ है गलत का विरोध नहीं होता तो पृथ्वीराज चौहान का इतिहास नहीं होता गलत आपका इतिहास नहीं लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में है जो कहते हैं गलत का विरोध मत करो किसी तरह के इसमें एडजस्ट कर लो और वो एडजस्टमेंट क्या कोई लूट रहा है तो रुपया तो उसमें से अपने को भी 10-20-50 मिल जाएंगे और उस पर जो प्रतिबंध होगा आप उसकी कल्पना नहीं और उस पर होगा यह कि बड़े बड़े खिलाड़ी को रह जाएंगे व्यापार में छोटे व्यापारी सब खिला मेरी चिंता यह है कि भारत में 107 कोटि की लोकसंख्या में लगभग 1 कोटि से ज्यादा व्यापारी है संपूर्ण भारत उत्तर से दक्षिण और उत्तर से पश्चिम और लगभग 1,50,000 सोने चांदी के जमाना के व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए डायरेक्टली अगर 2.5 करोड़ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम भारत में 50 लाख परिवारों की जिंदगी इससे चल रही है अगर हम सरकार के अपने को भी मान लें कि एक परिवार में 5 नागरिक होते हैं तो लगभग 50 लाख परिवारों की जिंदगी इससे चलती है सोने चांदी हीरे जवाहरात के व्यापार से या तो उसकी कारीगरी से तो ये 2.5 करोड़ लोग इनमें से जो बड़े लोग हैं वो 1% भी नहीं है बड़े लोगों से मतलब जिनका बिजनेस 10-20-50 करोड़ रुपए से लेकर 1,000-2,000 करोड़ रुपया है वो 1% भी नहीं है 1% से भी कम है और इसमें 70-75% जो व्यापारी है और कारीगर है वो बहुत गरीबी के स्तर पे काम करने वाले कारीगर व्यापारी है जो दिन में मुश्किल से 3-4 रुपए कमाते हैं ये धंधे तो
बाकी लगभग 20% ऐसे व्यापारी हैं जो आपकी हैसियत से हैं, जो यहाँ बैठकर मीटिंग कर सकते हैं और किराए पर ले सकते हैं, बाइक लगवा सकते हैं और मेरा व्याख्यान सुन सकते हैं, लेकिन उन 75% का कारण वो मेरा व्याख्यान भी नहीं सुन सकते, क्योंकि इकट्ठा होने के लिए कोई हॉल चाहिए, तो किराया देने का पैसा नहीं होने का। आप उसकी कैसे भेज दो, आपकी कैसे भेज दो, या उसकी कॉपी कर दो। तो मैंने सारे दिन को अपना लिखने वाले लोगों को दो दो कैसे बना के भेजे स्पेशल रूप से, और मैंने कहा कि आप सुनो और इसको ज्यादा से ज्यादा तो सुनाओ ताकि लोगों में जागरूकता आए कि हो क्या। देखिए मुझे बहुत दुख होता है जब वो मुझे घर में मिलने की जाती है, आपकी मीटिंग करने के लिए खर्चा तो कुछ लगता है, अगर कुर्सियां भी लानी है, लड़की भी छिपानी है, माइक भी लगाना है, बहुत कुछ लेना है, इतना भी नहीं है, इसलिए क्या करें। तो मुझे चिंता उनकी होती है जो ऐसे हैं और 75% है, जो उनकी 50 लाख लोगों में 75% इस तरीके की हैसियत में है कि मुश्किल से उनको 2 समय की रोटी चल पाती, क्योंकि कारीगर के अंदर बहुत पैसा नहीं है, जितनी मेहनत का काम है लेकिन पैसा उसमें बिल्कुल ज्यादा है। आप देखते घंटों घंटों करते हैं, सब एक छोटा सा दागिना से जाप होता है, आंखें उसकी बेचारे की वजह से तकलीफ में आती है, सब सामने एक छोटा दागिना से जाप होता है, लेकिन कारीगर ज्यादा मिलती नहीं है, क्योंकि इंटरनल कॉम्पिटिशन इतना जबरदस्त है, इसमें एक दूसरे की आवाज की कॉम्पिटिशन कि वो ज्यादा मिल नहीं सकता। और ग्राहक भी इस देश में ऐसा ही है जो ज्यादा कारीगर को देना पसंद नहीं करता, इस देश का ग्राहक ऐसा मूर्खाई से भरा हुआ है, वो पच्चीस डॉलर मोटा मोटा पीके पैसा बर्बाद कर सकता, लेकिन आगे छोटे वो कारीगर काम करना उसको 10 रुपए ज्यादा देने की कोशिश कर सकता है। रिक्शा वाले के पास चिंतित करेगा, 50 रुपए लगा लिया, 2 रुपए लगा लिया, और 5 स्टार होटल 20 रुपए की चाय पिएगा, 50 रुपए की कॉफी पिएगा, 5 रुपए खाके दूध देगा, लेकिन वो गरीब आदमी को दादी के लिए काम में लगे हुए करोड़ों काम करते हैं, उनकी हैसियत बहुत छोटी है, उन पर सबसे ज्यादा दुष्परिणाम होता है। इस भाषा का मैंने आपसे कहा सदैव भाव को सुनेगा, शाम को दुश्मन होगा, अगले दिन सुनेगा, फिर शाम को बंद होगा, उनकी हैसियत होती है। ये हमारे सरकार ने एकदम मूर्खाई का काम पैसा प्रदान कर दिया है, इससे भी ज्यादा डबल मूर्खाई का काम सरकार कर रही है। सरकार कहती है कि हॉलमार्क ले लो, ये हॉलमार्क क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आप देखते हैं कभी कभी सड़क पे जाते हुए किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड पे लिखा रहता है ना ISO 9001 या ISO 9002 या ISO 9003 प्रमाणित कंपनी। ये ISO 9000 क्या होता है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन करके बनता है, वो अमरीकियों ने बनाई हुई है, यूरोपीय नागरिक और अमरीकियों ने बनाई हुई संस्था है। ये संस्था एक प्रमाण पत्र देती है, उसका पैसा लेती है, और पैसा जितना लेती है प्रमाण पत्र की कीमत उससे बहुत ही कम होती है, पैसा वसूल लेते हैं। क्या प्रमाण पत्र देते हैं, प्रमाण पत्र ये देता है उनकी कंपनी अगर ISO 9000 है तो हमने इसको प्रमाण पत्र दे दिया, मतलब क्या है कि जितना सुरक्षा होता है कंपनी का सुरक्षा होता है वो थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन दूसरा काम क्या है, लेबर वर्क जिसको लेबर वर्क वाले फाइलें बनाने की उस पर खाता निकलेगा, आज इतना माल बेचा कल इतना बेचा कल लाया वो लाया, तो जो फाइलिंग वर्क है जिस पे लाने पर कुछ लिख के रखना होगा उसके लिए ISO 9000 मिलता है। वो साबुन में रेत मिला, रेती कहां से मिट्टी, मिट्टी मिला और मिट्टी को साबुन के भाव में बेचा, उनके साबुन को पहले लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो 70% मिट्टी है,
तीस प्रकार के पानी पहले देखा ये आदमी आपके पास आगे तो नहीं कॉम्प्लेक्स है और 70 टका मिट्टी आप बेच रहे हो, मिट्टी आती है 1-2 रुपए किलो और बेच रहे हो 150 रुपए किलो, क्योंकि उनका लाभ कितना है 70 रुपए का 100 रुपए किलो होगा, मिट्टी खरीदा 1 रुपए किलो में बेच रहे हो 200 रुपए किलो, मिट्टी दूर में जा रही है और क्वालिटी भी नहीं आ रही है, तो उसने कहा कि गाड़ी पर यह सब धंधा हमारा इसलिए अच्छा चलता है कि हमारा भाई तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को पता है कि ISO 9000 कंपनी है जिसके बाद की क्वालिटी जबरदस्त हो, लेकिन क्वालिटी का ISO 9000 से कुछ मेरा पता नहीं होता। और इस पर खेल कहना चलता है, खेल ये है कि ISO 9000 देने वाली जो संस्था है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके एजेंट आते हैं, जिस कंपनी को मार्क देते हैं वहां आते हैं, उनके डिस्काउंट में रहते हैं, मार्क आते हैं, उनको मजा करते हैं, आपकी जिसको पास लगा के चार्जर तो भेजने सी भी नहीं मिलता, पूरे तरह से निकट सब कुछ करना आपको खर्चे सारे आपके होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, तो ये ISO 9000 जो देखने वाले हैं उनको तो जैसा तो थोड़ी बुद्धि खराब हुई है, इतने दूर हो गए हो सब कुछ शुरू कर रहे हो तो उसके लिए क्रेडिट उस कंपनी को क्यों दे रहे हो, तो तुम्हारा दावा करो कि हमारा सब लेवल अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है, कहानी दिया है वो मैंने समझने की कोशिश की,
वहां कहानी यह है कि जो भी कृपा करने वाले लोग यूरोप और अमेरिका में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो खरीदने वाला है बेचने वाला है दोनों के बीच में कोई विश्वास का संबंध नहीं है। खरीदने वाले का बेचने वाले पर कोई विश्वास नहीं है और बेचने वाले का खरीदने वाले से कोई सिंपैथी नहीं है, सद्भावना नहीं है, सहानुभूति नहीं है। वहां का जो समाज है यूरोप और अमेरिका का वो समाज है इंडिविजुअल व्यक्तिगत आधारित पूरा समाज है, व्यक्ति आधारित। वहां किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। शादी की होती है तो पति पत्नी की जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाँ मैं आपको लिटरली बता कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जैसे सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वैसे पति पत्नी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम दो साल साथ में रहेंगे, उसके बाद डाइवोर्स हो जाएगा, एक साल साथ में रहेंगे या छह महीने साथ में रहेंगे या दो महीने साथ में रहेंगे या एक लाख साथ में रहेंगे, उसका भी पता है। उसके बाद तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, तो यूरोप और अमेरिका में जो कुछ भी चलता है वो कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, विश्वास होना चाहिए। पति पत्नी को विश्वास नहीं करती, पति पत्नी को विश्वास नहीं करता। और समाज हमारा ऐसा है कि बहुत ही लगभग किस्म का समाज, किसी भी पत्नी अपने पति के सामने किसी दूसरे के साथ चली जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है और रोकने की कोशिश की तो पड़ने करके चला दे, क्या तुम्हारे घर में वो चूंढे हैं तो ये हॉलमार्क नाम का एक चित्र दिन है, इस पर थोड़ा विश्वास हो जाए खरीदने वाले को और थोड़ा सद्भावना बने देश को। तो यूरोप और अमेरिका के समाज की संरचना ऐसी है जहाँ कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, इसलिए सरकार बीच में आकर के हॉलमार्क का सिस्टम लाई है। भारत में ये इतना उल्टा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं मेरी कहानी बताता हूँ, दूसरे की नहीं बताता। मेरे घर में जब से मुझे याद है बचपन से तब से हमारा सोने चांदी का दागिना खरीदने का दुकान फिक्स है, वो बदलती नहीं है। मैंने एक बार मेरी आई को पूछा ये दुकान मैंने कब से ला दिया, तो वो आई के लिए उसकी आई है, उसकी आई को पूछा तो उसकी आई बारे मेरे घर में सोने चांदी का दागिना जिस दुकान से आता है वो दुकान का हमारा संबंध 10 पीढ़ी पुराना है। उनकी 10 पीढ़ियां मुझे नहीं, हमारी 10 पीढ़ियां मुझे। और मेरे आई को मैं पूछता हूँ यही दुकान में क्यों जाती है, इसी दुकान है काम, वो कहती है भरोसा, विश्वास। जो संबंध है वो भरोसे का है, विश्वास का है। दागिना को पूछने से हमारे घर में साल में दो चार हजार रुपये का आता है, कभी कभी दो साल में आता है, तो दो चार हजार रुपये साल का बिजनेस और उसमें भी बेचारे दुकान वाले को क्या मिलता होगा मैं दो चार हजार रुपये का, हमारे तीन साल के बाद घर पे एक छोटी अंगूठी आई है चार हजार रुपये की, मैंने उसको पूछा मुश्किल से 400 रुपये रुपये मिला होगा, तो वो दुकान वाला भी कहता है राजू भाई हमारा आपका विश्वास का पास। मुझे याद है कि मेरे घर में कोई आयोजन हुआ और जो दुकान में आप सोने चांदी के दागिने लेते हो वो हमारे घर में था। मेरे भाई बहन भी बहुत दिन पहले शादी हुई तो हमारे घर में कोई काम करता हो गया या भाग में हो गई तो बराबर हाजिर है, जैसे हमारे परिवार का घर में कोई सुख की स्थिति है, खुशी की स्थिति है तो वो हमारे साथ है या दुख की स्थिति है तो हमारे साथ है। और हमारा भी उनके घर में वैसे ही है, उनके घर में कोई फंक्शन है तो हम और हमारे पिताजी उनके साथ है, माने हमारा जो संबंध है वो भरोसे का है, विश्वास का है, जो पारिवारिक संबंध में बदल गया है। आप बताओ ज्यादा झगड़ा ऐसा होता है? मैं देखता हूँ मेरे घर में ऐसा है, सभी के घर सारे बाप जो व्यापार करते हैं आपके ग्राहक फिक्स हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी फिक्स करते हैं, वो आपको बदलते नहीं, आपको छोड़ते नहीं। कारण क्या है कि वो सोने चांदी का व्यापार नहीं है, वो विश्वास की परंपरा है, भरोसा। तो हमारे यहाँ ये पूरा आपका बिजनेस विश्वास पर आधारित है, भरोसे पर आधारित है। इसलिए हम अपने घर के सदस्यों जैसा व्यवहार उनसे काम करते हैं,
और जो भी हमारे सामने मैंने दुकान को छोड़कर ऐसी कोई दुकान नहीं देखी है जहां ग्राहक आकर ऐसे बैठता हो जैसे जितना आसानी के साथ वो आपके साथ आकर बैठता है, बात करता है, शायद खरीदी तो दो चार मिनट में हो जाती होगी, लेकिन जो बातें होती है सुख दुख की, परिवार की, एक दूसरे को समझने की, वो तो तो भारत में सोने चांदी के दागे में परंपरा और विश्वास चला। अब इस परंपरा और विश्वास के साथ चलने वाले रिश्ते में हॉलमार्क होते का मतलब वो क्या होगा? अभी तक तो आप अपने विश्वास को देते थे और आपके विश्वास से खरीदता, अब कोई भी आपकी दुकान में जो आएगा और आपको विश्वास के लिए हॉलमार्क या दागे में देना शुरू किया है तो क्योंकि आपने जो फीस भरी है 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन किया है और तुरंत गाड़ी में के मदद से फीस आप बच्चों से हर पार के लिए किसी को आपका चुनाव जो आपको जांच के लिए होने वाले तब उसके बदले शंका पैदा होगी। अब उस शंका का समाधान करने के लिए आप उसको समझाओगे कि भाई पहले तो हम देते थे लेकिन अब हम हर पार लगा हुआ दे रहे हैं, आपके मन में कल्पना क्या होगी कि ये ज्यादा बिके तो आप लोगों ने ज्यादा रखा है तो वो दूसरे का अच्छा है, इसका मतलब उसका खराब था। बस वहीं से शुरू हुई तो वो बात को ज्यादा अच्छे नहीं करेगा, दो चार महीने में ऊपर नहीं करेगा, उसकी क्वालिटी में उसका विश्वास आपसे और जब विश्वास उसके साथ तो ग्राहक और ग्राहक उसके साथ बनता जैसे ही आपने शुरू किया तो आपके सारे पुराने ग्राहक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं उनके मन में एक वायरस बनेगा और वो ये सोचना शुरू कर देंगे कि पहले से दाखिल में हमने खरीदे वो सब खरीद लेंगे क्या, अभी ये जो बहुत बार वाला दे रहे हैं अगर ये ग्राहक को पहले वाला खड़ा नहीं खा गया और आप जानते हो क्षमता का समाधान दुनिया में किसी भी चिकित्सक और डॉक्टर के पास नहीं है। एक बार क्षमता घुस गई तो किसी दवा से नहीं निकलती, कोई मेडिसिन काम नहीं करती। भारत के बड़े बड़े वैद्य कहते हैं कि क्षमता का समाधान तो चरण कृषि के पास नहीं है, हर बीमारी का समाधान था लेकिन क्षमता एक ऐसी बीमारी होती है जिसका समाधान कोई नहीं कर पाता और अंत में जा टूटता है विश्वास, फिर टूटता है धंधा, फिर टूटती है दुकान, फिर टूटता है वो परिवार। जब आपने उसको एक बार फिर दे दिया ना कि ये हॉलमार्क लगा हुआ दागिना है, ये ज्यादा खड़ा है तो वो देखेगा कि आपसे बड़ी दुकान कौन सी है जहाँ ये हॉलमार्क का दागिना मिलता है वो वहां जाएगा और वो उसके साथ डिलीवरी करेगा हॉलमार्क, क्योंकि उसका उस ग्राहक से कोई संबंध नहीं ना परिवार का ना क्या पता। और आप जानते हैं सोने चांदी के धंधे में चीजें कितनी आसान है, मैं तो इससे ज्यादा नहीं समझता हूँ, मेरे घर में एक सोने की चेन है, इसका एक हिस्सा बहुत खड़े सोने का है और बाकी नकली होता हो तो मेरे पास कुछ रह जाता है चिंता। और अगर मैं इसको कहे तो उस तरह से भी पहचानने की कोशिश करो तो भी पहचान जाएगा, क्योंकि कहे तो भी सब कुछ होते थे एक हिस्से में ही काम कर पाता है पूरे लाइफ में काम नहीं कर पाता तो उत्तम छोड़ा का हिस्सा खड़ा है और बाकी छोड़ा है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और ये चीज भी बड़ी समस्या करेगी क्योंकि जिनको धंधा की करना है तो चीटिंग ही करेगी, धंधा करने में और चीटिंग करने में अंतर है। धंधा करने में क्या होता है तो आमदनी पर भी हम संतोष के साथ चिंता रहते हैं क्योंकि हमें धंधा दो टका आमदनी है, 3 टका, 5 टका, 10 टका तो भी हम लेकिन जब हमारा दिमाग भी है कि 1,000 टका आमदनी हो, 1,500 टका हो, 2,000 टका हो, बिजनेस इतना बड़ा हो तो ये सिर्फ चीनी से ही कम सकता है, धंधे से भी आमदनी कभी किसी में नहीं होगी। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, ई डबास आ रहे हैं और उसके साथ और संस्थाएं उत्पन्न रिश्ता आगे जा रही है, सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया,
अब वो रिटेल बिजनेस उतरते हैं क्या करने वाले हैं, उनके सामने जो कॉम्पिटिटर है वो पहले उनको ऑफर करेंगे कि आप हमारे साथ मिल जाओ नहीं तो हम आपको करना। तो जो बड़ी बात है हिंदुस्तान में है जिनका नाम पिछले 10-12 साल में बना है या तो ये उसके कॉम्पिटिशन में हम उतर नहीं सकते क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में कितने नीचे जाएंगे आपको कुछ कल्पना नहीं है। मान लो कोई विदेशी कंपनी में गोदाम में आके शोरूम खोला और उस शोरूम पर आधे कपड़े में रहेंगे वस्त्र वाली लड़की दिखाना शुरू कर दी, ऊपर से काली नीचे से काली और बैठी है एक लड़की मुस्कुरा के सबको हायर हो रही है, तो बहुत सारे ग्राहक जो थोड़े से चले तो मैं कमजोर वो तो किसम से वो क्या कहेंगे यार खरीद नहीं चल रहा है चलो वहां से तो कुछ देखेंगे चलो लाइन लगा के और
1970 के पहले 1940 में अमेरिका में 1910 में अमेरिका में 1870 में अमेरिका में 1840 में 200 साल में अमेरिका हर 3 साल में ये करता है तो उसकी बात है 30 साल में नीचे आ जाए जिसको रिसेप्शन कहते हैं रिसेप्शन हो जाए तो रिसेप्शन की इकॉनमी को ऊपर लाने के लिए अमेरिका जितना रहने के लिए सारे अपनी बड़ी समय अमेरिका में रखता रहा है और मेरे पास कुछ नहीं है मैं कुछ नहीं देता
लेकिन उसमें झूठ मूठ स्टेटमेंट अभी तक पास हो सकता है और ये मैं भारत के गाँव में जाता हूँ कभी भी कोई मेरे जाता नहीं क्योंकि इसमें शराब का व्यापारी आते हैं मेरे जाते हैं और तो इससे इतने परेशान है पुलिस के लिए कानून से लेकर पुलिस एक्ट से या किसी की धाराओं से या किसी की धाराओं से कि हमको जिंदगी में इतना हमारी मदद कर आप ऐसे हैं धंधा करने के लिए भी पुलिस के ये सब देने के लिए पास और सरकार को मैंने कई बार कहा है कि आप भी पुलिस एक्ट को बदल लो वरना आजादी का कोई मतलब नहीं है इस पूरे के पूरे पूरे शहर की सबसे बड़ी दुष्परिणामी विशेषता है वो ये कि जो चोर है बेईमान है वो सच्चा है और जो ईमानदार है वो झूठा पुलिस आपको झूठा बनाती है तो आपके खिलाफ केस बनाती है और वो चोर झूठा बोलना आपको नहीं करने की सजा दे तो अभी तो आप इससे परेशान हैं फिर हॉलमार्क आएगा तो आप जब परेशानी होगी परेशानी आपको इस समय एक जुट होने का और ये आप जान लीजिए कि मेरा शराब व्यापार से किसी उनका कोई संबंध नहीं मेरी चिंता सिर्फ यही है कि 2.5 करोड़ लोग जो इस धंधे में है वो बेरोजगार हुए तो देश का क्या मेरे घर में तो मेरे अभी तक कोई धंधा नहीं है ना मैं सुना देखता हूँ ना मैं सुना खरीदता हूँ ना इस धंधे से मुझे कुछ मिलने वाला है ना मैं आपको कुछ देने वाला हूँ लेकिन मेरी चिंता सिर्फ एक बात को लेकर है 2.5 करोड़ लोगों की रोजगारी देने वाला जो व्यापार है अगर ये टूट गया तो 50 लाख परिवार टूटते हैं करोड़ों लोग बेकार होते हैं जिसके लिए हमारे पास उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है वैसे ही जितनी बेरोजगारी इस देश में है 20 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है अभी तक 2.5 करोड़ कौन रोजगारी का देश का काम था इसी चिंता में मैंने आपके बीच में और आपके व्यापारियों के बीच में जाना शुरू किया है कि आप उसको बचाने के लिए करो अपना भी व्यापार बचाओ और अपने सहयोगियों को बचाओ तो आप बोले कि हम करें क्या है आप 3 काम करो और मैं आपको वायदा करता हूँ कि ये 3 काम अगर आपने पूरी ईमानदारी से किए तो ये समझदार बिल्कुल समाप्त हो जाए मैं और पार्ट देना पड़ेगा आपको अपना वायदा बता ये दोनों और ये खत्म कैसे हो जाएंगे सरकार जरूर कहते हैं कि हमने लंबू पीओ की शर्त है ना उसके आधार पर लेकिन लंबू पीओ में ही लिखा हुआ है एनी नंबर फैक्ट्री कैन विथड्रॉ एनी टाइम ऑफ द डे माने कोई भी सरकार कभी भी लंबू पीओ एग्रीमेंट से बाहर आ सकती है कोई भी सरकार कभी भी इसको रद्द कर सकती है उसी में लिखा माने ये कोई ऐसा समझौता नहीं है और मैं आपको नाम लेकर बताता हूँ दुनिया में आज से 10 साल पहले 124 देशों में ये पहली यात्रा उनमें से आज सबसे अच्छे भाग में उनको समझ में आ गया 10 साल में इससे बहुत बड़ा और इससे उनके अमेरिका के कुछ कुछ बातों में है नीचे है अमेरिका में बहुत बदली क्या करने की बात होती है तुम इससे ट्रीटमेंट से बाहर मत जाओ इस बात का राष्ट्रपति बोलता है मेरे देश के लोग बोलते हैं इस एग्रीमेंट में नहीं जाने की बात में नहीं रहेगा तुम तुम्हारे देश का देखो मेरे देश अमेरिका ने कहा हम अगर उस पर हमला करेंगे तो स्वीकार करके ले फिर हम भी तुमको बता देंगे कि हम छोटा सा देश है मुश्किल से 1 करोड़ की लोकसंख्या है मुश्किल से 1 करोड़ की लोकसंख्या है और इस दादा की से अमेरिका को जवाब दिया और एक ही उसने सच में दिखा दिया कि अमेरिका कागज का शरीर है दबनी है क्यूबा ने अपनी आर्मी को अमेरिकन बॉर्डर में ट्रांसफर कर दिया अमेरिका पर अमेरिका को लगा है कि क्यूबा खड़ा होता है तो उसके आदिवासी के देश के बड़े होते हैं क्योंकि वो सब अमेरिका से और वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है महाराष्ट्र का वो इतना लोकप्रिय है कि 28 साल में बराबर सुन रहा अकेला खड़ा होगा कोई दूसरे देशों में नहीं आ रहा 28 साल में बराबर सुन कर आता है और अपने देखा तो सरे और भक्ति देता है कि तुम्हारे यही पर करते देशों का हम भक्ति की ओर नहीं मानते तुम्हारे देश की ओर हम हमारे देश निकल गया युवा और उनके सारी के सारे शर्त और मान के वायदा बाजार के शेयर बाजार के सब खिलाफ करके मोदी को देश बहुत अच्छा है
आपको इसलिए प्रयास करना तो प्रयास क्या करना है, आप सबसे पहले एक प्रश्न करो कि कोल्हापुर सराफा एसोसिएशन का कोई भी कारीगर या व्यापारी और मान नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपको सीधी बात बता दू, दुश्मन से लड़ना है तो उसका बहिष्कार सबसे पहले असहयोग, दुश्मन को अपने घर में बुलाओ लेते आप उससे लड़ने जाओगे। हमारे हिंदुस्तान की कहानी ही ये दर बनाने है, हमारे राजाओं ने अगर अंग्रेजों को अतिथि बना के नहीं बुलाया होता तो ये 250 साल गुलाम नहीं होता। हमने ये गलती करके भूतकाल में भविष्य में करने की जरूरत है, हमें हौसला नहीं देना, ये एक संकट है। तो फिर क्या करना पड़ता है, जब आप हौसला नहीं होते हैं तो देने के लिए घूम रहे हैं इनके हालत होती खराब, क्योंकि हमारे सब कॉन्ट्रैक्ट भी किया होगा, ये जो है ना हमारे पास आते हैं ये सब सब कॉन्ट्रैक्टर है, ये असली कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के नीचे के असली कॉन्ट्रैक्टर को यूरोप को भेजना पड़ता है, यहाँ हमने किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा मुंबई में किया होगा दिल्ली में किया होगा, तो ये बहुत होते हैं इन्होंने वहां भी जमा करा, क्योंकि जिन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट से किया है ना वो सामान हो वो कहते हैं मेरे को पहले पैसा जमा कर दो, तो बाइक वाले को हनुमान नहीं मान पाते वो तो रहते हमको दे दो, तो इन्होंने वहां पैसा भर के सब कॉन्ट्रैक्ट से किए हैं, इनको वो पैसा भी मान देगा, इसलिए लोग चाहते हैं आपके दिमाग में से बाइक कंट्री ले लो मानिए तो मानिए तो मानिए, और आपने अगर लेना बंद कर दिया तो फिर से सरकार के पास जाएंगे तो सरकार कानून बनाएगी, कानून बनाएगी तब उसके बाद हम लोग भी इसमें आएंगे उतरे, क्योंकि कानून बनेगा तो संसद नहीं बनेगा, और संसद में हम ऐसा हल्ला कर रहे हैं जो कानून की जरूरत है कि ये पास ही ना, फिर सरकार क्या करेगी, कानून पास नहीं हुआ अगर संसद में, क्योंकि मैंने अभी से भारत के बहुत सारे कानूनों को इस बात से समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे कल्पना है कि 30 साल के बाद ये काम करना है, तो 250 से ज्यादा बार आरोप करने के समझा दिया कि देखो ये सब कितना है, और पूरी भारत के जो भाषा है बंगाल के आसाम के बिहार के उड़ीसा के उनको ये बात अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कारीगर उसी भाषा में है, दागे लेकर भी आप काम करने वाले जो कारीगर है ना सबसे ज्यादा बंगाल में, दूसरा नंबर उड़ीसा में बिहार में, उनको समझा गया उनको समझ में आया, और उन्होंने कहा कानून बनेगा तो हम इसके खिलाफ रोक करेंगे, तो कानून वहां से नहीं बनेगा, बना तो राष्ट्रपति के हिसाब से रोकेंगे, उनका सही होने के लिए और उनका सही होने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन फाइल के लिए उस समय आप सबकी मदद की जरूरत है, क्योंकि वो पिटीशन करने के लिए आप नहीं कर सकता, उनकी अदालत में समाप्त होने के लिए आपको क्या लेना देना नहीं करेंगे, आपकी कोई दुकान है क्या, कोई फल है क्या, कोई सब्जी बेचना कोई दुकान है, तो मैं आपको उस समय आपका सराफा एसोसिएशन के नाम से लेंगे, पिटीशन हम बनाएंगे तो आपके नाम से लेंगे, नाम आपका रहेगा, जो रिपोर्ट करती है देता है वो की सकता है कि आप दो किसी तरह के लिए हमारे जब से ये शहर है सब तरफ शहर से पहचान में हुए, तो वो कहते हैं आप इंटरेक्शन है उसको लेके आए, अभी थोड़े दिन पहले आपको पास किया था एक केस लेके गए वो रक्षा जो हमने सीख किया उसमें सभी बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि न्याय लोगों को हफ्ता बता रहता है कसानियों की तरफ, अरे आपको अपनी एकता बना के रखनी है और ध्यान इस बात का रखना है कि एक भी आपका व्यापारी विभीषण ना बने, एक भी क्योंकि वो खतरनाक है, जितना भी आपको कोई आगे लालच दे आप बोलो कि हमको लेकर गए थे तुमको मत खराब कर दो गाँव में तुम तुम्हारे काम करो 20,000 रुपये है नहीं हमारे पास रजिस्ट्रेशन का और हमारे पास इतनी मेहरबानी करने का टाइम नहीं है, ताकि चलो तुम्हारे यहाँ जाकर हमारे घर का तो हम विश्वास पर करते हैं, हम हमारा व्यापार चला रहा है, ग्राहक पर हमें विश्वास है, ग्राहक को हम पर विश्वास है, आप इसमें क्यों कुछ कर रहे हैं,
तो ये आपकी एकता कार्यक्रम को आपके बीच में से भी होली मिला के पहुंचाना और इसका एक ऐलान करा दो, सराफा व्यापारियों के बीच में ऐलान करा दो, जब तक आप सब मिलकर फैसला नहीं करते कोई भी एक व्यापारी और मार्ग नहीं होगा। और अगर दिया तो उसी दिन उसका बहिष्कार कर सकते। हमारे देश की जो परंपरा है कि समाज को एक रखने के लिए पहले जो बड़े लोग होते हैं उनको नियम बनाते हैं, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा, जब नियम का पालन नहीं होता तो उसको समाज परेशान करता है। तो जो व्यापारी ले गया अपना उसका आपके साथ कोई संबंध नहीं, ना खुद पर ना तो और उसको बता दो कि भाई आपसे मेरा मेरा संबंध कैसा है, अब तू तेरा हम तेरे साथ नहीं, क्योंकि तुझे विदेशियों का साथ मिला, उसकी बेटी की शादी का कार्य जा रहा है, उसके घर में कोई फंक्शन जा रहा है, उसको अपने घर में बुलाना नहीं, छत मार के पागल हो जाएगा, भर्ती हो जाएगा हॉस्पिटल में दो महीने के बाद ये क्या होगा, फिर उसको रिलाइज होगा कि मैं जब किया तो लड़की की पर बाप से तो बहुत बड़ा नहीं, तो ऐसा होली एकता बनाए रखी पर जब भी हमला होता है तो एकता बहुत जरूरी है, यदि विदेशी आगे बढ़ोते हैं तो पहले आपकी एकता होती है। यही बात मैंने जलगांव में अपने थोड़े दिन पहले कही, जलगांव बराबर एसोसिएशन के संकल्प करें कि हम में से कोई बहुत मार मिलेगा नहीं, जब रोजगार आगे संपर्क नहीं होगा उसके लिए हम मरेंगे और उसको रोकने के लिए कोई नहीं होगा और उसको संवर्धन होने के लिए, क्योंकि इसमें संविधान हमारे था, संविधान हमारे जो हमारी घटना का कॉन्स्टिट्यूशन वो हमको ये अधिकार देता है कि हमारा ऑप्शन है हम जो करना चाहें उसके लिए स्वतंत्र, कोई हमारे ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता कि यही करो नहीं तो घटना दुरुस्त करनी है इस सरकार को, और घटना दुरुस्ती की ताकत किसी सरकार की नहीं है, क्योंकि दो तिहाई बहुमत लगता है वो भी जरूरी है, तो बिगड़ वालों को बताएंगे कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे के भरोसे में पड़ेंगे और बात नहीं करेंगे। दूसरा काम क्या, रोज की बिना जायगा बनाएगा आप देखेंगे और दो जायगा करेंगे, एक जायगा करेगा और इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करेगी और ये हॉलमार्क का भी खर्च करेगी, उसमें यह बताया जाएगा कि जो हॉलमार्क नहीं है वो खराब आमीना नहीं है, और ये भी बताया जाएगा कि जिसके पास कैरेटो क्लीनर नहीं है वो क्लीनर है। आपको ये दो बातों को खुलासा करने की आवश्यकता है, इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप एक माहिती पत्र बनाए सराफा एसोसिएशन की तरफ, और उस माहिती पत्र में ये देना कि ये वास्तव में बहुमान होता क्या है, उनको मालूम करिएगा जो है ना वो जाएगा जिसको हॉलमार्क है जो खराब है वो जाएगा जाएगा, और वो संडे को भी आ जाती है ना टीवी पे, सरकार ने कोई आरआरए बनाया है कोई सीरियल बनाया है जिसमें एक लड़की है वो रोज ये बताती है कि आपका ये विकास कंज्यूमर का जो वो कंज्यूमर अधिकार से ज्यादा व्यापारियों को हिट करने का होगा, तो देखा तो साबित करने का तो टीवी जाएगा होगा, सिनेमा में जाएगा बनाएगा, अखबार में जाएगा बनाएगा, वो जाएगा और उससे का लेखक क्या है, तो आप तैयार कर पूरे माहिती पत्र मराठी में गुजराती में हिंदी में तमिल में तेलुगु में कन्नड़ में मलयालम में जिस भाषा को रहा और उसको ले लो तो सकते भाई को पढ़ो ये चक्कर क्या है, तो ये अभी देखा विचार कि हमारा जो यहाँ का स्थानीय पत्र है वो आपको दे देगा, लगे तो उसी को भी प्रिंट आप हमारा नाम सुना सकते हैं, हमारा उसको कुछ कॉपी राइट नहीं है, सबको कॉपी कर देगा, तो आप उस पत्र को आपको देकर एक पत्र बनाकर साफ दो। हमारे कोटे में एक संयोजक है संचय प्रदेश, उनके पास वो पत्रिका अपनी सारे लोगों की संख्या में वो आप वहां को अगर यहाँ नहीं मिले संचय प्रदेश को आपको नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से बनाकर उसको हमने लोग बनाए हैं
लेकिन आप माननीय गुजराती कन्नड़ तमिल तेलुगु जैसे पार्टी करके ग्राहकों के लिए उसको रखते दूसरा एक काम और करने का है अभी आपने जो सभा किया था ये आपकी तरफ ग्राहकों के आप अभी के सभा को ग्राहकों उनको मैं समझाऊ आपके बजट के उतना ग्राहक आप सभी व्यापारियों के 100, 200, 500 ग्राहकों के एक बार आपको जाने के लिए मैं दे दूंगा और मैं तो बोला हूं कि किसी मैदान में ये विषय मैं उनको समझाऊंगा और अगर वो समझ रहे हैं तो वो आपके साथ रहेंगे फिर सरकार आपका कुछ नहीं दिखा ग्राहक और व्यापारी ये दोनों अगर एक हैं तो दुनिया की थोड़ी ताकत हमारा कुछ नहीं दिखा सरकार भी उनके पास जाए और भगवान के लिए सरकार के पास मिल जाए तो हमारा कुछ और समाज में संबंध अगर नहीं चाहे तो समाज नहीं चल सकता देश भी नहीं चल सकता तो दूसरा काम आपके तो अभी से संपर्क समझ रहे आप मानना शुरू करो ग्राहकों के दिमाग में थोड़ा सा प्रश्न आना शुरू हो वो चाहे पहले जब आपको लगे कि काफी ग्राहकों को बात पहुंच रही है तभी आप उनके सभा पत्र 1500, 2000, 5000, 10000 जितने भी ग्राहक इकट्ठे होते हो उनको मैं सरल भाषा में यह समझाऊंगा और इस पर मैंने एक फिल्म बनाई सिविल सेक्टर है वो तो उनको देखा और पूरा देश यूरोप और अमेरिका में ये जो आया उनको लाया गया हमारे देश में भी क्या आवश्यकता है या नहीं आगे परिस्थिति क्या है यहाँ की परिस्थिति क्या है वो पूरी बात अगर उसको समझ में आ जाएगी तो खुद ही कहेगा कि हमको हॉलमार्क नहीं चाहिए जब उसने कहना शुरू किया तो इनको हम बता देंगे हॉलमार्क दे दो हम उनके सामने अभी तुम बोलो ये खरीदने वाला है लेकिन हम ये भी चाहिए तो पूरा और जबरदस्ती है तो हॉलमार्क तो सरकार की तरफ से जो अभियान चल रहा है जिसके हम काउंटर कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं सरकार ने ताकत की बहुत कम को इतनी कमजोर सरकार है कि जरा भी कोई धमकी आने को भी सामने से सरेंडर कर और ये अच्छा होता है पहले सरकार इतनी कमजोर नहीं होती अभी बहुत क्योंकि हर समय गिरने का डर अभी जो सरकार चल रही है उसमें तेजी से पक्ष है जो संकोच कर रहे हैं एक पक्ष भी निकल आया बाहर जहां से भी है तो जब जिस जमन में आता है सरकार को घुमा रहे और जिस सरकार में कई राजनीतिक पक्ष रहते हैं जिनको हॉटमार्क नहीं होना वही अच्छा है ये उसका ओपिनियन बन गया तो ये सरकार को डर है गिरने और गिरने का डर जो खुद मजदूरों के लिए सरकार होती है ना वो बहुत खतरनाक है और यदि भारत में चुनाव होता है और रिजल्ट आते हैं कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला मुझे बहुत खुशी होती है तो राजनीतिक मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हमारे लिए सरकार को कभी भी गिरा कर किसी भी मुद्दे से छुपाया और ऐसा हमने कई बार करते इसलिए सरकार कमजोर है जिसमें ज्यादा कम नहीं है लेकिन वो जो मुझे बुला नहीं सकते सभा नहीं कर सकते उनके लिए मैंने दो कैसे कर दो घंटे एक एक घंटे की दो कैसे वो कैसे यहाँ पे है आप देख जाओ और उसकी कॉपी बना 1000, 2000, 5000 कोई कॉपी राइट नहीं मैंने आपको सबको कॉपी करने का है उसकी कैसे कॉपी कॉपी करके आप अपने ग्राहकों को देना शुरू कर ग्राहकों के साथ आपके दूसरे व्यापारियों को देना शुरू कर दो शादी के तरफ व्यापारियों को दे दो गिरफ के तरफ व्यापारियों को दे दो कम से कम इतना करो कि 2-4 महीने में पूरे महाराष्ट्र में वो फैल जाए ये जब फैल जाएगी तो फिर आप एक ऐसी तैयारी करो कि पूरे महाराष्ट्र का जो सराफा एसोसिएशन है उसकी एक सभा बुलाओ और उसमें भी नक्की करो तय करो कि कोई महाराष्ट्र का व्यापारी
पहले ट्राई करो तो दोनों को करने को, फिर ट्राई करो फिर उसका नहीं करेगा, फिर उसका उसका नहीं करेगा, एक एक करेगा, फिर मेरी का सबसे महाराष्ट्र है, फिर थोड़ी आगे बढ़ो फिर उनसे गुजरात, तो सभी राज्यों से अगर ये होने लगा सरकार भी कोई कम वो तो दो मिनट में कहेगी भाई तुम नहीं देते तो वो हमारे लिए डिपार्टमेंट जब कर जैसे शुरू में आईएसओ का चक्कर चला था नरेंद्र लोगों ने बहुत खेल किया, अब उनको जब खेल समझ में आया हमको भी खेल आ गया, तो आई लोग वाले सारे वाले देखते हैं काम काम देखते हैं मुझे बहुत खेल किया, तब भी मैंने सबको ये समझाया कि ये दोगे तो आप ही को नुकसान होने वाला है, तो देने वाले को तो धंधा करने के लिए मैं अब समझ में आया हूँ, तो ये जो हम वहाँ धोखा खा चुके हैं उसका यहाँ पर लोग चुप रहे हैं, तो शायद हम इस प्रणाली को जीत पाएंगे, इसमें मुश्किल की कुछ भी नहीं है, मुश्किल बस एक ही वजह है आपकी एकता नहीं होनी चाहिए, आपके आपस के संबंध नहीं बिगड़ने चाहिए, हमने सामने रूप से संकल्प लिया वो सबको दिखा, और दूसरी एक निवेदन और करूँ कि मैं तो आया आपको तो समझा के गया बहुत तो पहले है आपके पीछे और आज पहले बार जो मैं आएंगे और जो बड़े बड़े धंधे में लगे हुए लोग भी आएंगे वो आपको समझाएंगे तो आप अपनी आत्मा की आवाज कोई करोड़पति आकर आपके सामने बात कर रहा है तो वो बहुत सच होगी, ये आपका आत्मा क्या कह रही है अंदर आत्मा क्या कह रही है, मेरी अंदर आत्मा ये कहती है कि हजारों साल की परंपरा से जो विश्वास होना है आपका तो ध्यान रखा, अगर भगवान ने इसमें पूछा तो ये पूछता है ये सबसे बड़ा और मैं 20,000 रुपये का ले लेंगे या 20,000 रुपये तो बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उसके लेने एक जो विश्वास होने का मतलब बताया ग्राहक कहेगा अच्छा अभी तक आपने इतना हनुमान का दिया इस बात पर घटिया था अब हनुमान का ज्यादा अच्छा है, जबकि ये ज्यादा अच्छी चीज ना हो सकती है वो आपकी जानकारी में नहीं रखता, तो ये विश्वास का मतलब बदल जाएगा, हमें तो विश्वास ये मेरी आपसे और यही मेरी आपसे गुजारिश है प्रार्थना है कि आप इस संदेश को क्योंकि जनता की अगर सहयोग नहीं है सरकार को नहीं, और ये बात महात्मा गांधी ने हमको सिखा कर रहे हैं कि जब सरकार बहुत अत्याचार करने लगे तो और बहिष्कार करो दो मिनट में सरेंडर कर दे, और गांधी जी ने 300 हजारों से अंग्रेजों को सरेंडर करा दिया, तो ये जो स्थिति है जो आज हम यहाँ बैठे हैं अंग्रेजों के कारण को 50 देशों में लाने की बात कर रहा हूँ, गांधी जी ने उसको भी सरेंडर किया, मनमोहन जी का राष्ट्र प्रधान देशों में नहीं चलता है, भारत में भी चीन से नहीं चल पाता है, तो ये तो दो इसमें कम नहीं है, आपकी एकता अगर बड़ी है राष्ट्र का आपसे जुड़ाव है तो ये विश्व का और तीसरा आपकी काम ये करो आज से आपके ग्राहकों को दोनों के देखो भाई 50 घंटे का पुरस्कार नहीं है 50 घंटे का एक पुरस्कार किसको तो वो उपभोक्ता बाजारों में बनते हैं, उसमें ग्राहक के लिए आप लोग के ग्राहक के लिए कि हम तो बिना उनसे आप लोग के हॉल पास के लिए जाए, ये तो ग्राहक की पोजीशन से आने का सरकार तो मैनेजर है, मालिक को हम नहीं, हम वोट देते हैं लोन भी देते हैं टैक्स भी देते हैं वोट भी देते हैं, मालिक को हम नहीं, हमने तो नहीं कहा आपके लिए हॉल पास किसी ग्राहक के साथ मैं ग्राहक हूँ, मैंने आज तक नहीं कहा कि आप हमें हॉलमार्क चाहिए, मेरी आई ग्राहक है उसने आज तक नहीं कहा हॉलमार्क चाहिए, हमारे देश के करोड़ों ग्राहक है जिन्होंने कभी नहीं कहा, मुझे याद नहीं है कि कभी किसी गांव में रहती हुई हो मुंबई में दिल्ली में ग्राहकों की तरफ से कि हॉलमार्क होना ही चाहिए, ऐसा हमने नहीं कहा, कुछ उपभोक्ता संगठनों ने जरूर कहा लेकिन उन्होंने जो कहा वो भी मैंने उनसे पूछा, तो कहते हम तो चलाते विदेशी पैसे से अपना समझ रहे तो वहां से जो इंस्पेक्शन आता हम भी सोचते हैं हमको वाइट नहीं है,
तुमको मालूम है वो सिद्धांत क्या है जिसके आधार पर ये काम करता है। जिंदगी में कभी कैरेटो मीटर नहीं देखा, लेकिन अभियान चला दिया, कैरेटो मीटर लगाओ, कैरेटो मीटर लगाओ। मैंने कहा भाई कैरेटो मीटर से ज्यादा गलती होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जब खराब हो जाए तो कुछ ना कुछ बताने का शुरू कर दे। आदमी का दिमाग जबकि खराब नहीं होता, शरीर में जल्दी होती है। छोटे से हिस्से को ही चेक कर सकते, वो शायद 0.5 मिनट का हिस्सा भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो टीम है वो जानी जानी करती है। टीम तो सेंट्रलाइज होती है, एकदम छोटे से हिस्से पर होती है। तो सपोज करो कि जिस हिस्से पर टीम टाइम हो रहा है बाकी छोटा है, कोई पता ही नहीं कर सकता। और आप लोगों ने कह रहे हो कि इसने चेक कराया, इसमें सबसे ज्यादा होता है। तो आप अपने ग्राहकों को अगर ये समझाना शुरू कर दें तो उनकी समझ में भी बहुत आसानी से आ जाए। और मैं आपसे कहता हूँ कि हाथ से छूकर और आंख से देखकर जितना अच्छा परीक्षण होता है वो कोई मशीन नहीं है। हाथ से छूकर और आंख से देखकर, क्योंकि ईश्वर ने हमको जो पंचेंद्रियां दी है उसमें से स्पर्श और दृश्य सबसे प्रभावकारी है। तो हमको हाथ से छूकर आंख से देखकर बता सकते हैं कि ये सोना कितना खराब है। मशीन को कभी मिलता नहीं पता। दिल्ली में अभी एक दुकान में मैं गया था, बहुत बड़ी दुकान है, कौन सा जिसका लोग कौन सा ज्वेलर है, बिजली ज्वेलर, इनकी दुकान पर मैं गया था। संयोग से कह रहे हैं कि खराब हो, संयोग से कुछ करो तो इनकी कहा मेरी तो भाई इसको फ्रेज होगा, मेरी तो आपका भी दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ये जो रिलीफ दे रहा है वो वास्तविक नहीं है। और इसके खराब होने के चांस इतने ज्यादा है, थोड़ा बारिश जाती है और ह्यूमिडिटी बड़ी मौसम की, तो उसी समय में खराब ह्यूमिडिटी मार्ज मौसम में थोड़ा नमी बढ़ गई। नमी ये टेरोमीटर यूरोप में आया, अमेरिका में आया, क्योंकि जहां के मौसम में नमी नहीं है, सूखा ही दिखा जहां नमी बहुत है उनकी अपनी लिमिटेशन है, वो एक पॉइंट को चेक कर सकता है, पूरे बाकी को कमी चेक। तो ये ग्राहक को अगर आपने बता दिया कि भैया ये तो इतना बड़ा बाकी है, इसकी एक ही पॉइंट को चेक कर रहा है, जरूरी नहीं है पूरा बाकी का वैसा ही हो, इससे अच्छा कई बार को भरोसा करो वो मन नहीं, क्योंकि अब तक तो मेरा डेढ़ सौ मीटर से ही खरीदता आया है। ये तो सरकार ने बहुत रुपया लगा दिया हमारे पीछे, टिकट को भी बदलाव होते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ता है, ये देखना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता है, चीप भी बढ़ती है, और यूरोप में बहुत चीप भी इसी तरह से होती है, और अमेरिका में तो सबसे ज्यादा चीप भी आपस में कोई भी मतभेद ना हो जाए, मतभेद हो जाए तो उसको समझाने को ध्यान, मतभेद ना हो और कोई चुपचाप जाकर और बात न ले आया, ले आया तो उसको सामाजिक बहिष्कार करके तुरंत बता दो दूसरे का भी नहीं होगा। और तीसरा ग्राहक को थोड़ा समझाना शुरू कर दो और बाकी काम ऊपर के स्तर पर केस करने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, पार्लियामेंट में बिल को रुकवाने का, हालात को महंगी देने का, वो सब हम और हमारी संख्या करने ही वाले हैं। और हमने तो ये संकल्प पहले से लिया हुआ है, हमारी तो लड़ाई हर विदेशी कंपनी के खिलाफ है, चाहे वो ऑलमार्ट के एशिया है या कोई विदेशी कंपनी कदम करके किसी को, तो हमको अपनी लड़ाई लड़ने वाले हैं। आप नीचे से हम ऊपर से दोनों मिलकर एक दूसरे से सहयोग की मदद कर रहे हैं, तो जरूर इससे हम सफल हो जाएंगे, असफल होने की कोई बात नहीं है। और ऐसे सही उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जब हमने सरकार को बुलाया है, सरेंडर कराया है, अभी दो हजार के समाचार में आपको बता था 58 साल से सरकार गाय की हत्या करा रही है, सरकार 58 आजादी जब से मिली उसके पहले अंग्रेज सरकार गाय की हत्या कर। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जितने सफल स्थानीय भारत में चलते हैं
उन कतर खानों में सबने पैसा खर्चा कर पैसे लगाते हैं, कोई व्यक्ति कतर खाने घोषणा चाहे सरकार उसको कॉन्क्रीट सब्सिडी देती है सौ पैसा। अगर आप कोलापुर में कतर खाने बोले तो जितने रुपए का कतर खाना बनेगा उतना उतना रुपया सरकार आपको देगी, आपका कतर खाना घोषणा होगा। और आप कोलापुर में घोषणा करो तो सरकार इतनी हैरान हो रही है, पैसा नहीं चाहिए गाय पालने के लिए, गाय काटने के लिए 58 साल से यही चल रहा है। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में कही, पिछले 7 साल से एक चालू था कि संस्थाओं की तरफ से हमने यह किया था कि सरकार करवा रही है गाय का कसर, कसाई को कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा, सरकार दे रही है सब्सिडी, तो सरकार की सब्सिडी से प्रश्न पर तक दे चुका और उसके सारे कर्ज हमने भर चुके। तो हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि भारत की एक भी गाय नहीं कर सकती है और अगर कहीं तो हम सरकार की जगह अब सरकार पहुंचना ही नहीं क्योंकि इस जजमेंट को कानून बना के लागू करने में उनको तकलीफ आ गई। तकलीफ क्या करें, बहुत पुरानी है जिन्होंने दो हत्या से पैसा बनाया है और बना रहे हैं बीस एक्सपोर्ट करके पैसा बना रहे हैं, बहुत पुरानी है उनके कतर खाने चल रहे और उनका धंधा बंद होने का डर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर कानून नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा राज्य हर राज्य तो मुख्यमंत्री ने कहना शुरू किया कि हम तो दिल्ली से बनाएंगे, राष्ट्रपति का सहयोग कराएंगे, कर्नाटक में भी होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ अगर आपने ईमानदारी है, संकल्प है, सच्चाई के साथ है तो कोई भी सरकार आपके सामने 58 साल में जो गाय चर्चा चल रही थी सरकार जिसमें लगी हुई थी आपको बंद हो जाएगी थोड़ी भी गाय नहीं है कि गाय का कोई प्राणी अगर कटा तो पुलिस ऑफिसर से लेकर मुख्यमंत्री भी करेंगे। और अगर उनको स्पष्ट लिखा कि जिस पुलिस स्टेशन के सामने से गाय गुजर गई उसके ऑफिसर की जिम्मेदारी बन रहा है। तो ये हुआ है इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं, कभी भी आप निराश मत करिए, कभी भी जब हम सोचेंगे होगा या नहीं होगा आप ईमानदारी से संकल्प के साथ एकता बनाकर चलते चले जाइए हर काम होगा। तो मैं इतना ही आपसे निवेदन करने आया कि आप अपने बीच में पहले बनिए संकल्प ले लीजिए, हम जब तक सब करेंगे पहले करेंगे कोई बात मार नहीं मिलेगा और ये माहिती धीरे धीरे दूसरे गाँव में फैलाना शुरू करिए। मैंने इसके लिए जो पैसे बन रहे हैं वो आप ले जाएंगे, मेरे विश्वास में है उनको बांटिए, कॉपी करिए, दस की संख्या में जो को दीजिए और वो एक पत्र करने जो आपसे कहा बनाने के लिए वो पत्र हमने बनाया है हमारे सुनने का है आप उसे बना लीजिए, पूरा ऑफिस में बना हुआ है, संजय प्रदर्शन को फोन कर लीजिए वो भेज देंगे और आप फिर उसकी री कॉपी करिए, रीप्रिंट करिए, हजारों लाखों की संख्या में आती है और बांटना शुरू कर दीजिए। थोड़े दिन में ग्राहक तो ग्राहकों की एक सभा बुलाई है फिर उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा तो आप व्यापार के ग्राहक के लिए हो गए तो पिछले बार भी आगे बढ़ेंगे और शायद हम उसमें जीत पाएंगे। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है और एक छोटी सी चलते चलते एक बात होती है आपके कुछ प्रश्नों को मैं उस वक्त जरूर दूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करें तो उसके लिए एक छोटा काम और करें कि आपका मन बुद्धि और शरीर तीनों स्वस्थ रहे के लिए मन बुद्धि और शरीर तीनों स्वस्थ रहे क्योंकि बुद्धि से बदल रही है सोचने में मन संकल्प करा और शरीर उसको बाधा करा। हमारे भारत में एक पुरानी कहावत है चल किसी की कभी भी कोई भी बड़ा काम करने के लिए देखो तो पहले स्वयं स्वस्थ बनो तब वो काम नहीं। तो क्या होता है कि इस तरह के काम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेंटल टॉर्चर मेंटल टॉर्चर और वो करने वाले रह गए और इस मेंटल टॉर्चर से वो टूट जाता है तो वहीं से काम खराब हो जाता है। तो आप मेंटली काम कर रहे हैं मानसिक रूप से आप में शक्ति रहे और शरीर में भी थोड़ा रेजिस्टेंस रहे इसके लिए देखिए छोटी सी बात है जो आप विचार कर सकते हो आप अपने व्यक्ति को थोड़ा व्यवस्थित करिए खान पान को थोड़ा व्यवस्थित करिए ताकि बड़ा काम करने की शक्ति आपको मिले।
थोड़े दिन में क्या होगा कि जब आप अपनी ताकत से बच जाएंगे तो वर्तमान वाले नहीं बैठेंगे, तो उनकी मन वहां करोड़ों रुपये भर रहे जो दो भाषियों के रिश्वत देते हैं वो सरकार आपको बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत हो। तो आप अभी से थोड़ा अपने अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करें क्योंकि आप क्या कर सकते हैं इस शरीर बहुत सुरक्षित रहे, रेजिस्टेंस वाले रहे और मन में शक्ति बहुत रहे। इसके लिए चार उपाय है। सबसे पहला कि आप भोजन के बाद पानी पीना बंद करें, एक घंटे के बाद भोजन के बाद पीना पड़े तो साफ पीए, दूध पीए, जूस पीए, पानी एक साथ, क्योंकि शरीर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तबाता है जब आपका खाया हुआ भोजन पूरा पच जाता है। जो कुछ खाया है उसका पाचन पूरा हो रहा है और पाचन होने के लिए एक समान रहने का समय मिलता है। और भोजन के पाचन होने में सबसे बड़ी बाधा जो यह है वो पानी है, क्योंकि भोजन को पाचन होने के लिए पेट में गर्मी रहती है जिसको जट ला भी कहते हैं, और पानी अगर दिया तो वो अग्नि शांत होती है तो फिर पचता नहीं है। तो आयुर्वेद का सरल सूत्र है कि शरीर को तंदुरुस्त रखना और मन को ऊर्जावान बनाना, तो इसके लिए भोजन के बाद पानी पीना एक साथ के बाद ये नियम आप धारण करो तो आपकी 50% बीमारियां दूर हो जाएंगी, मन बुद्धि शरीर तीनों एक साथ। दूसरा एक नियम है कि पानी कभी भी ठंडा नहीं पीना, हमेशा कोपर ठंडा नहीं पीना, कभी भी पीना भी कोपर ठंडा नहीं पीना, जितना गर्म करेंगे उतना गर्म पानी ठंडा कभी भी पीना, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और ठंडा पानी पीने से दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ होती है अक्सर कोपर का ठंडा, और उसमें से दूसरी बहुत सारी बीमारियां, तो ठंडा पानी को पीना चाहिए, हल्का कोपर पानी कभी एक साथ नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा सिर्फ करके पीना, बहुत दूर पड़ जाता है। एक बार के लिए सिर्फ पीना में कोई दो बार दूसरा तीसरा एक ग्लास पानी पीने में 15 मिनट लगा, एक साथ एक मिनट में रजिस्टर सबसे कम किसी से होता है तो पर लगातार तो पानी खूब खूब पीना, हल्का कोपर पीना, भोजन के बाद पीना, सवेरे उठे सबसे पहले पानी। तो ये चार अंगों का पालन आप करेंगे तो बाद में जब आप तीनों अंग के संतुलित रहेंगे और इस तीन के संतुलन से ही रेजिस्टेंस आता है, प्रतिकारक शक्ति आती है और मन बुद्धि शरीर तीनों एक साथ एक मिलन रहता है। आप यह मैगी दाना तो रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ता है, मैगी दाना में छोटा छोटा मुझे करना होता है उसको रात को पानी में डालें तो ये मैगी दाने से रेजिस्टेंस बहुत अच्छा रहता है और खून को बराबर साफ करती रहती है। अगर आपका खून स्वच्छ है, पवित्र है, संतुलित है तो कोई बीमारी नहीं होगी, और कोई शरीर में कहीं कोई कमजोरी होगी तो ये मेडिसिन आना बिल्कुल ठीक है। जैसे डायबिटीज है तो सबसे कमजोर शरीर डायबिटीज आदमी का होता है, मन भी कमजोर होगा शरीर भी कमजोर। आप में से किसी को भी डायबिटीज है तो हाथ से पानी में डालो सब पानी, और इस मैगी दाने से घोटे का दर्द जाएगा, कमर का दर्द जाएगा, डायबिटीज चली जाएगी, मन बुद्धि शरीर तीनों तंदुरुस्त बनेंगे, और अंत में ये मैगी दाना आपको वज्र जैसा बना देगा, शरीर एकदम इतना कठोर हो जाएगा कि आसानी से किसी बीमारी नहीं होगी। ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषधि है हमारे स्वयं पाक घर में दालचीनी, दालचीनी का पाउडर शहद के साथ अगर मन के साथ लेंगे तो भी शरीर से आसानी से रोग जाएंगे, शरीर दुरुस्त हमारे घर में ऐसी तो बहुत अच्छी औषधि है हल्दी, स्वयं पाक घर हल्दी लेने से आप प्रयोग करो, थोड़ा दूध में डाल कर लेते रहो, बहुत सारी बीमारियां कम होती है। और ऐसे ही हमारे स्वयं पाक घर की एक बहुत अच्छी औषधि है जीरा, पेट की कोई तकलीफ हो जाए जीरे का पानी लेंगे, हमारे स्वयं पाक घर में उसको आसानी से औषधि है, उन पर बराबर नजर रखो, कभी भी तकलीफ हो जाए और आप एक बीमारी से दूसरी बीमारी में पहुंचते रहे,
कभी संपूर्ण स्वस्थ नहीं रहते। संपूर्ण स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद ही संभव, और आयुर्वेद का सबसे अच्छा हमारे रसोई घर में संस्थान उसका भरपूर इस्तेमाल करो। और अंत में बन सके तो अगर शरीर को अच्छे से ताकतवर मन बुद्धि संकल्प के साथ चले वो बहुत थोड़ा देसी गाय का बहुत मैं 6 साल से हजारों लोगों को इसका प्रयोग किया, अद्भुत शक्ति आई। मरे हुए की स्थिति में पड़े हुए पेशेंट चलना नहीं करके हाथ रखने से बहुत कुछ रहता है। तो 25-30 मिनट का लोग सवेरे कर लीजिए, आप ले सकते हैं। बीमारी है तो जरूर लो, नहीं है तो भी ले। बीमारी कुछ भी हो, नाम उसका कुछ भी हो, वो सभी लोगों की कैपेसिटी रखते हैं, वो और पूरे शरीर को दुरुस्त करने के लिए काफी। तो ये थोड़ा आपको सावधानी से देखिए कि दो गाय का दूध लेना विदेशी गाय है, जब विदेशी तब विदेशी गाय काम कर रही है, दूध की उसका काम कर रही है, दूध का देशी गाय का भी दूध का काम कर रहा है, विदेशी गाय का दूध लेने से उल्टा परिणाम रोग डर हो गया। देशी गाय का काम कर रही है इत्यादि खरपात जो भी हमारे इलाके में उसका ही आप बोलोगे कितनी है तो और उसका शेर मिलेगा तो शेर को देगा, उनको भी काम हो जाएगा, दुनिया की काम की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाय के शेर से अच्छी तो समाज का भी पता करता भी होगा और दूध कभी भी पीना तो गाय का ही पीना भैंस का नहीं करेगा, क्योंकि भैंस का दूध पीने से आप शक्ति ही नहीं रहेगी। हमारे देश के लोगों ने 20-25 साल से भैंस का दूध पीना शुरू किया, तो जहां देखो वहां गिरावट 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 गिरावट। कारण क्या था? भैंस का दूध काम से और वो सारा सारा दूध पी के सबकी बुद्धि भी नहीं हो, जैसे भैंस है वैसे इसलिए आप जल्दी से मंत्री और भैंस को देख लो ना, समझ में आ जाएगा कहीं घटी हो जाए घटती नहीं है अपने झटका लगाना पड़ता है बच्चे वैसे आपने जो इतना डाल दिया पीछे से बस आ गया और उसकी वजह जो भी नहीं घटती है क्योंकि अक्ल नहीं है उसको बुद्धि नहीं है। भैंस कभी टीचर पर जाके बैठे नहीं, गुस्से में टीचर की नहीं है और इतनी दूर खोल के कभी अपने बच्चे को पहचान की नहीं। एक भैंस का बच्चा दूसरे के साथ चला जाता है, दूसरे का पहले पर चला और बैठ का बच्चा बच्चा उसमें दूसरा बच्चे खड़ा कर दो तो दूध दे देती है माई भी ऐसी हो पाई जाती है। तो ऐसे बैठ का बच को और आराम के पास जाए तो आराम के पास जाए मैं सिर्फ जब लाभ के पास ही है दोस्तों। और उसे बात को सोचा है तो काम आपको बेची बैठ दिखाई देती है हम लोग तो इसलिए थोड़ा गाय गाय का दूध पियो तो ये आगे आपको शरीर के काम आएगा और भारत की आने वाली जनरेशन के लिए काम आएगा। और मैं इस विषय में आपके कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं, आप चाहे तो कोई भी प्रश्न कर सकते हैं इसका उत्तर देने के लिए। अब ये जो काम करते हो कंप्यूटर से तो ये नेटवर्क कभी भी प्रश्न का ये हमेशा मैं आपको उत्तर के लिए तैयार हूँ। मेरा फोन नंबर है 9474-8-1-1-9-4-4-8-1-1-9-4-4-8-1-4-5-3-1 और इसमें सबसे आगे तो मुझे जरूर लगता है तो मेरा से बात करना चाहता है। तो ये वो फोन नंबर है, एक और उसका फोन नंबर दे दीजिए, वो मेरे ऑफिस का है बड़ा जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है 0-7-1-5-2 कश्मीर को और फोन नंबर है 5-6-0-3-7-3-5-0-3-7-3 ये ऑफिस पता
राजी दीक्षित सेवा नाम करना बस इतना ही। राजी दीक्षित सेवा नाम पर सेवा नाम गाँव है बंदा के पिन कोड 442 नीचे मारा। और अगर तुम ईमेल एड्रेस में लिखा हो तो ईमेल एड्रेस में राजी दीक्षित RAJIDHITA ये देखी हम राजी दीक्षित के लिए ऐसा लेखा मैनेजमेंट का तो अभी आपने मेरे मन में शंका है कम नहीं बस मेरा मन आगे जाके आगे में जाकर ध्यान देने पा रहे हैं मेरे को लगता है उसमें फायदा है क्योंकि जाके सूर्य ऊर्जा को मतलब जुड़ी है आज फायदे बजे में डाल दें डाल का बाप 25 रुपए से उठ आज खोटी का कुछ जाकू मांग रहे और आप खोटी का कुछ खोटी का कुछ डाल वो जो डाल छत्तीस रुपये वर्ग बनाता है उसको उनकी आमदनी पड़ती है उससे छत्तीस रुपये की आमदनी पड़ती है। और आपने मैसेज में कहा है खुद आपने कहा जो छत्तीस वर्ग है उससे आज सोना सोना अपन छुटे थे उनके घर में शादी है तो हमारा सीजन है या सीजन सब जानते हैं अगर उनके पास पैसे तो हमारे पास जो पैसा आएगा उन्हें सबसे ज्यादा फिर दूसरा है 45 लाख लगभग 47 लाख शेतकरी है जो ज्वारी बाजरी गेहूं और मुश्किल से 5 या 7 लाख शेतकरी है जो उड़द की दाल उड़द की दाल की दाल सबसे ज्यादा शेतकरी है काफी फायदा बता रहा है आपको खेती उत्पादन में सबसे पहले काम की आएगा आज स्थिति यह है कि 5 साल पहले काम अभी वो तो ये वायदा बता आसमान से चढ़ा के जमीन पे जब मिला रहा है तो अच्छा शेतकरी समाज ने क्या किया मैं बता जब वायदा बता शुरू हुआ ना 5-6 साल में सबसे पहले कापूस आ गया पर्यावरण पर 2600 रुपए 2700 रुपए क्विंटल भाव मिला सरकार ने नहीं दिया शेतकरी मतलब तो क्या था कि कापूस उन्होंने जान के 70 लाख को कापूस से लगा के आराम से उसको लगा दिया क्योंकि ये उनके कंट्रोल में है सरकार तो जो 2600 रुपये अब स्थिति यह है कि जो शेतकारी ने बाकी सब बंद कर दिया कापूस आ रहा है उसको फिर थोड़े दिन के बाद सरकार ने कहा अच्छा अभी तुम ऐसा करो बेटी कॉटन करो तो बेटी कॉटन लगा दिया 50 रुपए का पहले 20 आता था और 18 रुपए का आ गया अब बेटी पालन करो तो ये खत लगाओ ये खत लगाओ परिणाम ये हुआ कि शेतकरी को 1 हेक्टेयर खेती में 12,000 रुपए का खर्चा हो गया और 1 एकड़ खेती में जो कापूस उत्पन्न होकर बाजार में बेचा है वो 8,000-9,000 खर्चा है अब वो 3,000 का जो धान है वो पूर्ति करने के लिए कर देता है और कैसा ब्याज भरता है फिर कर्ज लेता है और जब देने की तारीख को जो था तब कल्पना की बात है लाभ होता है शेतकरी मेरे आपसे एक निवेदन है आपने हनुमान के विरोध में एकजुट सर होना चाहिए ऐसे बोला अच्छा ये हनुमान है इसके अंदर समझो हमारे पहले अपन अपने सभासद वो भी ये बारे में पहले सोचना चाहिए हम लोग हृदय के ऊपर 23 कैरेट से हम मानते हैं और एक्चुअली दागिना को 20 कैरेट का हो
75% है, 78% है, 80% है। अच्छा, गवर्नमेंट लागू करना चाहती है तो उसका सर्वे कर, कल उदाहरण कुछ दिन इसी तरह की दुकान की जा रहे तो उसे दागिना लिया तेईस कैरेट का सेव देखा मगर एक ही दागिना वो 20 कैरेट का निकला। अच्छा, उसकी गुडविल खराब हो जाएगी। जब आप उनके साथ जैसा बदलाव करेंगे, हम नहीं करना चाह रहे, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तभी वो कोई ना कोई तो कदम उठाएंगे जिसकी वजह से अपने शराब को भी उसका त्रास हो सकता है। तभी समझो कि वो 75% का दागिना है और वो सब पेपर में आ गया और उसकी गुंडी जो विश्वास जो हम बोल रहे हो जिस विश्वास से अपन काम करते हैं वो विश्वास उस टाइम 100% का विश्वास एक मिनट में डूब जाएगा। तभी उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये बहुत बड़ी बात है। अपनी आपकी सच्चाई आपकी सच्चाई में आप अगर कमजोर पड़े तो सच्चाई आपकी मजबूत है। जितने कैरेट का दागिना है उतने ही कैरेट का हो आप इवन कर रहे हो तो मेरा दागिना 20 कैरेट का है, 28 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 23 कैरेट का है, इवन कर रहे हो उसमें ये नहीं है कि 20 कैरेट का है बाकी 17 सारे का है 19 का है। तो उसके बाद सही है ऐसा हो रही ना होगा जब 2008 की कंपल्सरी करेंगे ना ऑल मार्क तो एडमिशन सर्वे करेंगे या एडमिशन आपके यहाँ आकर चेक करेंगे और वो ये होगा किसी दुकान में थोड़ा भी कमजोर ताकि का मिला उस पर क्लेम कुछ किया गया है आपको मिस्टर कुछ की थी तो उनको आधार मिलेगा आपको पहले मिलेगा और वो फिर पूरे तरह हो जाएंगे संघ म्हणत तर त्यांना आपण ज्यावेळी हे आपल्याला सांगतात आपण व्याख्यान आणले म्हणजे त्यांचं मार्गदर्शन घ्यायला आणतोय त्यांचं मार्गदर्शन आपण घेत असताना आपल्याला कुठेही अयोग्य म्हणजे त्याचं हे सगळं आपण कुठे टिकून नाही म्हणून मी त्याला विचारलं आम्ही आंदोलन करा सांगितलं त्याला आणि उद्या आपला माल असा आहे की उद्या कुठेतरी आपण प्रॉब्लेम लागू तर कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाचं नाव असं कुठेही बोललं जातं तुला कुठे काय म्हटलं नाही मी जो प्रश्न विचारा बहुत बड़े काम के लिए छोटे छोटे बच्चे को बातें करके सब क्वालिटी के लिए नंबर जो पूरे भारत के लोग वो वहां पर
Thank you.